दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके रियल स्पोर्ट्स चैनल में। काफ़ी सारे भाइयों ने बहनों ने कमेंट किया है, तो बहुत ये सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि अब से लेकर के 7 सितंबर तक हम फिजिकल क्वालिफाई कैसे करें। तो दोस्तों आपको पता है आपको जो टाइम मिला है बहुत कम है, और जो इसका लास्ट में फिजिकल है यानी कि 7 सितंबर में, 5 में, 2 में, 1 में या उसका 25 में, 30 में जब भी है तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों इसमें सिर्फ आपका स्पीड वर्कआउट ही होगा। कभी आप लोग सोच रहे हो कि हम कंटिन्यू करके काम कर लेंगे या हम हर रोज़ 1600 मीटर लगा लेंगे, तो हर रोज़ 1600 मीटर नहीं लगेंगे। आप 1600 मीटर अगर पर डे लगाओगे तो सारी बॉडी दर्द करेगी और शाम को वर्कआउट नहीं होगा। इसीलिए आप अगर सुबह वर्कआउट कर रहे हो तो आप 10 मिनट वार्म अप करो, बिल्कुल हल्का सा 0 चाल पे अपनी बॉडी को गर्म करो। इसके बाद आप स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग के बाद फिर आप 400 मीटर लगाओ 2 मिनट की रेस्ट पे, या आप 800 मीटर लगाओ 5 मिनट की रेस्ट पे, यानी कि एक एक ही रेपिटेशन लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए होगी। तो आप लोगों ने अब सिर्फ लास्ट तक का ये जो रोटेशन है ये वही है। आप लोगों ने हर रोज़ 1600 लगाओगे तो समझ लो पागल हो, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही, मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ और मैं फिलहाल 6 साल हो गए मुझे ट्रैक पर आए हुए, मैं अब आया हूँ अच्छा फिजिकल आने, तो मुझे डर नहीं है इतना कि फिजिकल नहीं होने का। मेरा डर मेरे दिल में है कि नहीं होने का, बट मैं जो रूल है वो रूल फॉलो कर रहा हूँ। आप लोगों ने कभी कोच से बात की होगी या किसी अपने ऐसे जानकार भाई से बात की होगी तो वो आप लोगों को ये सलाह दे रही है कि आप स्पीड वर्कआउट करो, वो ये बहुत कम दिन रहता है। जब हमारा बड़ा कंपटीशन होता है, जब हम नेशनल मेडलिस्ट या अपनी किसी भी कंपटीशन की स्टेट की या नेशनल की तैयारी करते हैं तो उसमें हम स्पीड वर्कआउट होता है। तो लास्ट के जो 15 दिन बचते हैं वो स्पीड वर्कआउट ही होते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में स्पीड की ही ज़रूरत होती है। तो अगर अभी हम ट्रैक पे स्लो रनिंग करेंगे तो नहीं हो पाने का। फिलहाल आप लोग स्पीड वर्कआउट करो और आपका फिजिकल हो जाएगा, मैं डेफिनेटली कहता हूँ। तो आप लोग डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। आप कुछ बहन रोकर कमेंट कर रही हैं भैया ये होगा मेरे साथ, कुछ नहीं हुआ बहन, अपना ट्रेनिंग करो बढ़िया से, एजुकेशन फॉलो करके जो मैं बता रहा हूँ वही करो। आप लोग 400 मीटर को पकड़ लो, 800 को पकड़ लो, 1200 को, सिर्फ ये रोटेशन रखो। अगर आपकी बॉडी ज़्यादा लोड दे रही है तो आप वार्म अप को रेस्ट दे दो और बॉडी की प्रॉपर स्ट्रेचिंग करो। कल को जो वीडियो डालूंगा मैं आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग भी डालूंगा, आपकी बॉडी को स्ट्रेच कैसे करना है, और जो एक मैट्रो होती है स्ट्रेचिंग, और एक होती है आपकी रनिंग से पहले, यानी कि आपकी एक रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग होती है वो भी। तो दोनों की दोनों स्ट्रेचिंग की वीडियो आप लोगों को कल मिलेगी, 5 से 7 मिनट की दोनों वीडियो होंगी ये, तो आप लोगों ने वो कल देखनी है बहुत जरूर। ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी तो इस वीडियो को आप लोगों ने फॉलो करना है, और जिसको भी मुझसे बात करनी है तो वो इंस्टाग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए, साथ में अपने फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।